महीने बाद निकाली है, तीसरी से चौथी देखने स्टार्ट। बस ये वाला टायर जो इसका फटा हुआ है ना, पंचर है, ट्यूबलेस है ना ये, तो उसकी हवा निकलती रहती है, भरवाता रहता हूँ निकलती रहती है। अभी दोबारा भरवाने जा रहा हूँ ब्लॉक बनाने के लिए, फिर दोबारा निकल जाएगी खड़ी हवाई तो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसमें ट्यूब डलवा दूंगा तो ये वाला चक्कर खत्म हो जाएगा इसका। बट पिछले वाले टायर में ज़्यादा कम नहीं है, हल्की सी कम है, बट वो भी ठीक है। गंदी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, आज इसे धो देंगे, वॉश कर लेंगे अच्छे से, बाकी एकदम बढ़िया। सेल्फ अभी ले नहीं रही है बताइए, क्योंकि इसका जो है फ्यूज़ ख़राब है, तो करंट नहीं आ रही है। क्या आवाज है, बंद भाई से दे रहे से। अब देख सबसे पहले इसमें हमको हवा डलवानी पड़ेगी, बिना हवा डलवाए हुए काम बनेगा नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं हवा डलवाते हैं इसके अंदर भाई। आगे का टायर पूरा लहर रहा है, क्योंकि जो फ्रंट डिस्क हमने डलवाई है ना इसके अंदर, वो फिर ढंग से काम नहीं करेगी। हवा डालियो भाई, देखा कैसे भाग रही है ये इधर उधर। सर्विस करवानी पड़ेगी मेरे को इसकी, बहुत दम तोड़ती हुई चल रही है बाइक। इन सड़कों पे मेरे से व्लॉग का इंट्रो तक नहीं होगा, इधर करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि भाई हमने पूरे 4-5 महीने के बाद आज हिमालय अपनी हिमालयन खड़ी करके और स्प्लेंडर प्रो क्लासिक के ऊपर व्लॉग बनाने का सोचा है, जिस बाइक को आप लोग 4 साल से प्यार देते आ रहे थे मेरे चैनल पर। और वही बाइक कुछ दिन से, मतलब कुछ महीनों से खड़ी हुई धूल खा रही थी, तो हमने सोचा कि पब्लिक को थोड़ी इसकी डिमांड भी अभी भी बाकी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे पास पुरानी वीडियोस देख के इतने मैसेजेस और मतलब डीएम वगैरह आते हैं ना कि भाई स्प्लेंडर प्रो क्लासिक का कंटेंट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो अब वो कहाँ है को हम सर्च करने आ गए। हमने सोचा आज इस पर वीडियो निकालते हैं, क्योंकि इसको खड़ी करने से पहले जो जो मॉडिफिकेशन हमने इसके अंदर की थी उसके बारे में हमने बताया नहीं था डिटेल में, तो वो आज हम आपको बताएंगे कि आपके पास नॉर्मल स्प्लेंडर है या स्प्लेंडर प्रो क्लासिक, उसके अंदर आप ये चेंजेस कर सकते हैं, वो भी अपने हाथों से। तो मैंने पूरा काम इस बाइक के अंदर अपने हाथों से किया था, खुद ही, किसी मैकेनिक वगैरह के पास नहीं लेके गया था। वही चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग इसको पिछले 4 महीने से खड़ा कर रखे हैं, जब से हिमालयन लिया, हिमालयन ने आके पूरा सीन चेंज कर दिया था, क्योंकि हिमालयन हमारी समझ लो ड्रीम बाइक जैसी थी कि भाई अपने दम पे एक मोटरसाइकिल लेनी है तो हिमालयन लेनी है। दो बाइकों के अंदर मेरी चॉइसेस थी, हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 और तुम्हारा हिमालयन 411, नॉट 450, 411। तो 411 जैसा कि हमने ठाना था अपने दिमाग में, ले ली एक दिन। एंड जब से ही हमारी ये, जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया, जो चैनल अभी तक चलाती आ रही थी हमारा, हमारी स्प्लेंडर प्रो क्लासिक, ये खड़ी हो गई और इसका सिलसिला वहाँ ख़त्म सा होने लगा था। बट फिर हमको याद आया कि नहीं, इसका सिलसिला ख़त्म नहीं होने देना, इसके बिना तो भाई काम नहीं बनेगा। तो आ गए हम फिर से लेके इसको आप लोगों के साथ। वैसे इसकी सर्विस करवा के मैंने खड़ी करी थी, सर्विस में इसमें होता क्या है, ऑयल चेंज हो जाए मेजरली, वही सब चीज़ ज़रूरी है। तो हमने इसका ऑयल चेंज करा दिया था, ऑयल फिल्टर साफ़ करवा दिया था, चेन वगैरह टाइट वगैरह करा के खड़ी करी थी। बट बीच में 2-3 बार मैंने चलाई भी, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको खड़ा कर दिया तो दोबारा हाथ ही न लगाया। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि एक चीज़ आपको अगर नहीं मिल जाए तो आप पुरानी को भूल जाओ। पुरानी मैं अभी भी चलाता हूँ, हिमालयन मेरे पास खड़ी रहती है हमेशा, जबकि एफजेड अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरे लाइनअप में हिमालयन खड़ी हुई थी बस वहाँ पे, इसके बिल्कुल साइड में, और एफजेड नहीं थी। एफजेड गई हुई थी क्योंकि ऑफिस
वो भाई लेके जाता कभी कभी, तो इसलिए हिमालयन तो खड़ी ही रहती है, एक ना एक तीनों में से एक बाइक तो मेरी वहाँ पे रहती रहती है मौजूद। अभी भी डबल सीट वाली स्प्लेंडर स्कूटी और हिमालयन तीनों वहाँ पर खड़ी है, सिर्फ ये निकाल के लाया हूँ मैं। बढ़िया लग रही है। कौन सी गाड़ी है पता है आपको? कौन सी गाड़ी है? स्प्लेंडर है बिल्कुल। हाँ मिड में मैं इसको संडे राइड पे भी लेके गया था निकाल के, तो बाइकें तो मैं अपनी सारी चलाता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाता हूँ, बट वही है कि अब इसको निकाला है, अभी मैं इसको चेक कर लूँगा अच्छे से, और अभी नेक्स्ट मंथ में इसी मंथ के मिड में ही इसकी मैं सारी मेंटेनेंस करा के फिर खड़ी करूँगा इसको। फोटो तो बनती है एक पेट्रोल बूथ पे। तो हम लोगों ने जो चेंजेस किए थे इस बाइक के अंदर वो सीधे सीधे से ये थे, आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स व्लॉग के अंदर भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोगों ने इसकी असेंबली चेंज की थी फ्रंट वाली, और इसको बनाया था डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक बनाने के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी क्योंकि कोई भी मैकेनिक करने को तैयार नहीं था, जिसको भी हमने पूछा सबने मना कर दिया कि स्प्लेंडर डिस्क ब्रेक नहीं कर सकते। सबका मेन मतलब ये था कि स्प्लेंडर डिस्क ब्रेक करने के लिए हमको अलॉय चाहिए होगा जिसके अंदर डिस्प्लेट लगी हो, और जिस बाइक का वो अलॉय होगा सेम उस बाइक की हमको फ्रंट शॉकर असेंबली भी चाहिए होगी जिसके अंदर वो फिट बैठ जाए। तो वो सब करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत और बहुत सारा दिमाग खर्च करना पड़ा अपना। हम लोगों ने सबसे पहले तो असेंबली ढूंढी, तो इसके अंदर वैसे फ़िट होती है, अगर आप लोगों को भी फ़िट करनी हो तो आप लोग मेरे को DM कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, या फिर आप मेरे YouTube सेक्शन इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं। तो इस बाइक के लिए जो शॉकर असेंबली आती है जिसके अंदर आप डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं, वो आती है पैशन एक्स प्रो की या फिर पैशन प्रो की। तो पैशन का कोई सा भी मॉडल हो वो सारी इसके अंदर फिट हो जाएंगी, बट हम लोगों को पैशन की असेंबली नहीं मिल रही थी, तो हमने ढूंढ के निकाली यामा की एक बाइक आती थी सल्यूटो, उसकी जो फ्रंट असेंबली थी वो इसके अंदर कहीं ना कहीं फिट बैठ रही थी, बट मैकेनिक बिठा नहीं पा रहा था। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड मिलके हम लोगों ने इस बाइक को लगाया स्टैंड पे, और इसका फ्रंट व्हील पहले पुराना वाला निकाल दिया, उसके बाद हमने इसके शॉकर्स खोले। शॉकर्स खोलने के बाद हम लोगों ने ट्राई किया कि अब चेक करते हैं कि इसके अंदर फ्रंट असेंबली बैठती है नहीं। फिर सबसे पहले हमने इसके हैंडल्स निकाल के और हैंडल के नीचे सबसे पहले इसके शॉकर्स बिठाए। शॉकर्स बिठाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि वो दूसरे बाइक के थे और ये बाइक दूसरी थी, तो शॉकर्स बैठ नहीं पा रहे थे कहीं ना कहीं। और फिर हमने बहुत मेहनत लगी थी, ये वाले जो नट होते हैं ना, ये वाले नीचे वाले, ये दोनों नट नहीं बैठ पा रहे थे, बट हम लोगों ने बैठा दिए थे अच्छे से। और फ्रंट शॉकर बैठने के बाद समझ लो सारा खेल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप पूरी असेंबली बैठा लोगे, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको ट्राई करने का सोचा था, और लगाने के बाद ये बिल्कुल सक्सेस हुआ। बाइक इतनी बढ़िया चल रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स की। लुक्स के अंदर हमने इसका सबसे पहले किया था कलर अपग्रेड, वो भी जब इसको खड़ा करा था उससे पहले किया था। इसके अंदर पहले तुम लोगों ने बैगिंग वगैरह देखी होगी, वो थोड़ी ग्राफिक वाली थी, बट अब नॉर्मल एक हीरो का हमने वो लगाया बैगिंग, और इधर एक स्टैटिक सा हार्ले डेविडसन का स्पीकर लगाया था। कलर हम लोगों ने सेम नहीं रखा था, थोड़ा सा डार्क रेड किया था इसके अंदर, ठीक है। टेल लाइट हमारी वेकी स्ट्रिप वाली, बट इंडिकेटर हटा के हमने लगा दिए थे जेट इंडिकेटर, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, ठीक है। मेन मुद्दा जो था ये वाला, ये जो शॉकर असेंबली थी ये है सल्यूटो की, जो मैंने आपको बताया ना यामा की बाइक आती है सल्यूटो, ये इसकी असेंबली थी। बट ये जो ऊपर वाला पैनल है, ये वाला जो है, ये इसी बाइक का है, हमने उसमें से रिमूव करके इस वाले शॉकर में डाल दिया था। मडगार्ड फिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, मडगार्ड के अभी भी देख लो ये हिलता है, ये जस्ट इसलिए टाइट है ऐसे हाथ से हिलाने के अंदर, क्योंकि सिर्फ जो ये वाले बोल्ट है ना, वो मडगार्ड उसमें कसा हुआ है, पीछे नहीं कसा है, क्योंकि दोनों के जो होल है ना वो इसके ऊपर एक बैठे नहीं थे, ये कैलिपर मरा था हमने उसमें ये वाला। तो ये इसी बाइक का पूरा सिस्टम है, ये भी इसी बाइक का है और ये भी इसी बाइक का, और ये मास्टर सिलेंडर भी इसी बाइक का है। तो ये इतना ऊपर मास्टर सिलेंडर से लेके अलॉय शॉकर्स डिस्प्लेट कैलिपर ये सब चेंज हुआ था। बट काउल मैं सबसे बता दूँ, काउल इसका स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक की कंपनी में भी नहीं है, ठीक है। हैंडल
मेरी बाइक गिर गई थी, हैंडल मेरा भी बंद है, हेल्थ ऐसा ये बाहर निकला हुआ है, तो मैं उसको ऐसे यहाँ से डिसलोकेट करके ना सेट किया हुआ है, क्योंकि मार्केट में कहीं पर भी उसका हैंडल नहीं है उसका, और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में चला गया हीरो की, कहाँ कहाँ डीलरशिप में चला गया, जो कभी पड़ा होता मुझे मिल जाए, बट कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि हैंडल अवेलेबल ही नहीं है, अगर लगाना तो आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। मेरे पास एक डीएम आया था बैंगलोर से, उस बंदे के पास सेम बाइक थी, उसके पापा ने दी थी वो, बट उसने क्या किया कि बाइक का जो वो था ना हुडिया पूरा बिगाड़ दिया था, उसने हैंडल चेंज, उसके पापा ने मतलब उसने नहीं, वो उस समय छोटा रहा करता था, तो उस बंदे के पापा ने क्या किया, हैंडल नॉर्मल स्प्लेंडर का लगवा दिया, सीट का वो लटा के डबल सीट लगवा दी, तो मतलब उसने पूरी बाइक का जो था ना हुडिया वो एकदम नॉर्मल स्प्लेंडर जैसा कर दिया। तो उस बंदे का मेरे को बाद में मैसेज आया, जब उस बाइक की एज अभी बची हुई है 6-7 साल बची है अभी, तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि यार मेरे को सेम ऐसी बाइक चाहिए, खर्चा जो भी आएगा देख लेंगे, और हमने एक ऐसी बाइक प्रिपेयर करके दी उस भाई को, और कॉस्ट उसके अंदर आई थी मेरे हिसाब से मेरे को ध्यान नहीं है, सारा चीज़ सामान वामान लगा के 10,000 या 12,000 के करीब कॉस्ट आई थी, जिसमें हमको उसकी सीट हमने प्रॉपर जो कॉन्टिनेंटल जीटी के अंदर आती है ना वो वाली लगा के दी थी, मैं साइड में बाइक की पिक्चर लगा दूंगा। कुछ लोगों को स्टॉक के आगे वो बाइक पसंद नहीं आएगी, इवन मेरे को भी नहीं पसंद आएगी, क्योंकि मेरे पास स्टॉक है, लेकिन जिसके पास स्टॉक नहीं है उसको समझना कि बाइक से ना सबको प्यार है इस वाली बाइक से ना, तो जिसके पास स्टॉक नहीं है ना, जैसे मेरे पास तो है, तो इसके आगे मुझे वो मॉडिफाइड नहीं पसंद आएगी, मुझे यही पसंद आएगी, तो जिसके पास स्टॉक है ना उसकी बात छोड़ दो, लेकिन जिसके पास नहीं है, जिसने बनवाई है, तो उसको तो वही पसंद आएगी ना, क्योंकि उसने बनवा ली, मेरे जैसी उस बंदे ने बनवा ली, तो उसको अपनी बाइक ज़्यादा पसंद आएगी। तो कुछ लोगों को जिनके पास स्टॉक थी बट हुलिया उसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, उन लोगों को नहीं पसंद आई ये बाइक, मतलब कि ये तो पसंद आई बट वो पसंद नहीं आई, मेरी बात मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या आप लोग समझ नहीं पाओगे मेरे समस्या भा रहे हैं। तो सेम ऐसे बिल्ड करने के लिए मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट हम लोग आपको सीट देंगे कॉन्टिनेंटल जीटी वाली और काउल भी देंगे कन्वर्टेबल वाला, जो कन्वर्टेबल काउल आता है ना जिसके अंदर सीट हट भी जाती है और लग भी जाती है, मतलब कि आप डबल सीट भी कर सकते हो और सिंगल सीट भी कर सकते हो, वो हम आपको इस बाइक में दे देंगे, ठीक है। चेन सेट भी हमने इसका निकाल दिया था, चेन कवर सॉरी प्लास्टिक वाला लगाया था, जो थोड़ा सा लुक बढ़िया लगे बाइक का। इंजन आप लोगों को पता ही है सिल्वर आया था, हमने ग्रे किया ब्लैक किया उसको, हमारा ग्रे था इसका इंजन। तो अभी जो मेन चीज़ इसके अंदर रह गई है ना मुझे लगानी है, एक तो ये वाले स्टॉक लैप गार्ड आता है, क्रैश गार्ड लगवाने इसके अंदर हीरो वाले जो आजकल स्प्लेंडर के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और जो इसकी विंडशील्ड हमने निकाल रखी वो हम इसके अंदर वापस लगा दें। So that's my full video. This is Romar Kunal signing off. जिस जिसको वीडियो पसंद आई हो वो वीडियो को लाइक करते जाना और सिर्फ इस बाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो जिस मेरी जनता को ऐसा लगता है कि इस बाइक के ऊपर कंटेंट नहीं आ रहा है वो बिल्कुल टेंशन मुक्त रहे, इस बाइक के ऊपर कंटेंट अब आना स्टार्ट हो जाएगा, वापस से वीडियोज बनाएंगे हम, ठीक है, कुछ ना कुछ ढूंढ के जरूर इस बाइक के ऊपर बनाया जाएगा। तो चिंता ना करते हुए, टेंशन ना लेते हुए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी सेफ, राइड सेफ, बाय।